जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बेहतरीन अपडेट आ रही है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आपको बता दिया जाए कि का गठन कर बजट उन्हें सौंपा गया है ताकि वे उस पर स्टडी कर अपने सुझाव दे सकें। कुल 75 विधायकों ने विभागवार तय किए गए बजट और योजनाओं को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को दे दी है। इन्हीं कमेटियों ने बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा महिलाओं व दिव्यांगजनों की पेंशन में 300 रुपये की फिर से बढ़ोतरी का ले लिया निर्णय। आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी, सभी बुजुर्गों के खाते में 3,300 रुपये आएंगे बढ़कर। आपको बता दिया जाए कि अब आप सभी लोगों को सीधा 3300 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। ये बढ़ोतरी आपको बता दी जाए कि दिवाली के शुभ अवसर पर की गई थी। नायब सिंह सैनी द्वारा फिर से 300 की बढ़ोतरी हो चुकी है। नायब सिंह सैनी ने एक साल में 2 बार बढ़ोतरी का लिया था फैसला, उस फैसले पे खरे उतरे हैं क्योंकि इसी दिवाली के शुभ अवसर पर 300 की फिर से कर दी बढ़ोतरी। हरियाणा के नायब सिंह सैनी द्वारा अब बुजुर्गों के खाते में तत्काल 300 रुपये पहुँचनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग एडी न्यूज़ से। एडी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।